श्री राम, जय श्री राम। पर हम तो मेवात देखने आए थे जी, कि मेवात में सीन क्या है। वो सीन बढ़िया समझ में आया, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के सर्व समाज यहाँ खड़े हैं। बाकी जो धारणा मेवात को लेकर बनाई जा रही थी, वो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। सच्चाई में कुछ धरातल पे कुछ है और जो वैसे। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा मेवात। आज मेवात में ब्रज मंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा बड़े ही शानदार तरीके से निकाली गई है। इस धार्मिक ब्रज मंडल शोभा यात्रा के दौरान मेवात के सभी समुदायों का भरपूर प्यार मिला है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। शोभा यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल हुए हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने कहा कि जो मेवात की धारणा लोगों ने बाहर बनाई हुई है वो कतई गलत है। ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान मेवात के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर और फल और पानी वितरित कर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम की है। और पिछले वर्ष जो जलाभिषेक यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी और उसको लेकर देश विदेश में मेवात की छवि खराब हुई थी, उस कलंक को मिटाने का काम किया है। श्रद्धालुओं ने मेवात के पुलिस प्रशासन और हिंदू मुस्लिम समुदाय में कायम भाईचारा का आभार व्यक्त किया है। देखिए रिपोर्ट। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रशासन और सरकार ने बिल्कुल मुस्तैदी से व्यवस्था की है और हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उन्होंने भी जलपान की और प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। काफी जगह देखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग जो एक माला फूल बरसा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो यमुना गंगा की जो तहजीब है उसको निभाया है और हम भी बिल्कुल श्रद्धालु हैं जो बहुत खुश हैं उनकी इस सेवा से और उस प्यार से। हम पलवल जिले से हथीन से आ रहे जी, ये पूरी बस है। सर किस तरीके से प्यार मिल रहा है मेवात? बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा मैसेज है ये। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बारे में बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये पहल बहुत अच्छी है और ऐसा लगातार निरंतर होता रहना चाहिए। के लिए कितनी बार, पहली बार आप आए हैं? पहली बार आए हैं। तो कैसा लगा, महसूस कैसा कर रहे हो? बहुत बढ़िया लगा जी। बाकी जो हम दूर बैठ के देख रहे थे कि क्या है वहाँ पे, जो हम महसूस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे बहुत कुछ, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ सही नहीं हो पा रहा है पीछे जो हमने देखा, बाकी इस बार आके जो हमने देखा वो तो महसूस ही कुछ और किया। वो तो ह्यूज डिफरेंट बिटवीन देम, बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ जो हमने धारणा बनाई हुई थी और जो यहाँ आके देखा है, बहुत बड़ी उसमें फ़र्क है। और बहुत अच्छा लगा प्रशासन का भी और यहाँ के जो लोकल जो बंदे हैं, समाज दोनों समाज हों कोई भी हो, दोनों बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा रहा। सर मेवात में आज आप पहली बार आए? पहली बार ही आए। तो मेवात में जिस तरीके का आपको प्यार, किस तरीके का प्यार मिला? प्यार मिला जी, सर्व समाज का प्यार मिला। हिंदू मुस्लिम की जो बात करते थे, इस तरीके की कोई विचारधारा नहीं दिखी गई, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जो ये माहौल था, उस माहौल को देखते हुए कि आखिर है क्या, कि आखिर यहाँ पे है क्या, सच्चाई क्या है, हम उस सच्चाई को ही जानने के लिए। हाँ, भगवान भोलेनाथ हमारे वहाँ विराजमान है, सब सब मंगल विराजमान है। पर हम तो मेवात देखने आए थे जी, कि मेवात में सीन क्या है। वो सीन बढ़िया समझ में आया, बहुत बढ़िया लगा। यहाँ के सर्व समाज यहाँ खड़े हैं। बाकी जो धारणा मेवात को लेकर बनाई जा रही थी, वो इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। सच्चाई में कुछ धरातल पे कुछ है और जो वैसे